हाय डियर फ्रेंड, इंजीनियर कॉन्सेप्ट वापी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है लाप्लास, और लाप्लास में हम इन्वर्स पढ़ रहे हैं, और आज हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड शिफ्टिंग थियरम। ठीक है, फर्स्ट शिफ्टिंग थियरम पढ़े थे और सेकेंड शिफ्टिंग थियरम में क्या करना होता है, बस थोड़ा सा ध्यान रखें कि उसके लाप्लास अगर इन्वर्स फाइंड आउट करने होते हैं। जैसे कि अगर इस फॉर्म में हो फंक्शन ये जो हो, तो उसका लाप्लास अगर फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके, तो उसके इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें कि अगर मान लीजिए कोई फंक्शन इस प्रकार से हो, इस फॉर्म में हमें लाने होते हैं। ठीक है, अगर इस फॉर्म में होता है कीरेस्ट पावर माइनस ए सी, लाप्लास फंक्शन टी के फॉर्म में अगर होता है, ठीक है, अगर इस तरीके का फॉर्म में हो, तो इसका जब इन्वर्स निकालना होता है, ठीक है, इसका जब इन्वर्स निकालना होता है तो ये सिंपल सा वही पंडा है कि अगर इसको मैं लाप्लास ये वैल्यू है तो इसको अगर मैं इधर करता हूँ तो इसका इन्वर्स के फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, इसका इन्वर्स के फॉर्म में आ जाता है। जैसे यहाँ पे दिया है, देखो अगर फंक्शन यहाँ पे एल है, ठीक है, ये एल को इस तरफ लेके जाएगा तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। इस तरफ लेके जाएगा तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लो कि अगर ये फंक्शन है, ठीक है, अब इसका लाप्लास बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा ध्यान दो तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि इसका ये होता है। ठीक है, ये ध्यान रखो कि अगर इस प्रकार का कोई फंक्शन दिया हो और उसका इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए बोले, तो इसके इक्वल होता है, इसके बराबर ये हम लिख सकते हैं कि लाप्लास अगर फंक्शन टी माइनस ए के फॉर्म में हो या यू टी माइनस ए के इस फॉर्म में अगर हो, ठीक है, तो उसका इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं इरेस्ट पावर माइनस एस एल, या इस फॉर्म में दिया हो, या इस फॉर्म में दिया हो, या इस फॉर्म में दिया हो, ठीक है, एल एफ टी। अभी ये जो लैपलास है, इस तरफ लेके जाएंगे तो लैपलास इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, तो लैपलास इन्वर्स इन ब्रैकेट इरेस्ट पावर माइनस ए सी अगर इस फॉर्म में दिया हो, चाहे इस फॉर्म में दिया हो, तो उसको अगर मुझे लैपलास इन्वर्स फाइंड आउट करना है तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर लेंगे की रेस्ट पावर माइनस ए सी ए एस एल, और उस जो भी फंक्शन है उसका लाप्लास निकालो, फिर जो वैल्यू आती है उसका इन्वर्स फाइंड आउट कर लो, तो आपका उस फंक्शन का इन्वर्स फाइंड आउट हो जाता है। ठीक है, इसको सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम भी बोला जाता है। ठीक है, अगर इस फॉर्म में दिया हो तो देखिए एक क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको इजिली पता चल सके। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, इरेस्ट पावर माइनस टू एस, मतलब माइनस ए एस के फॉर्म में आ गया। ठीक है, माइनस ए एस के फॉर्म में आ गया, तो माइनस ए एस इन टू जो ये जो फंक्शन दिया हो, देखो एल एफ टी माइनस ई एस एल एफ टी के फॉर्म में है ना, देखो लाप्लास फंक्शन टी, इनका लाप्लास किसका, ये लाप्लास है, ये पता रहना चाहिए किसका लाप्लास है, इतना माइनस टू एस को छोड़ दो, ये किसका लाप्लास है वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये किसका लाप्लास है वो आपको लिखना पड़ेगा, समझ में आया, ये डायरेक्ट वैल्यू दिया है तो आपको ये इसका लाप्लास की किसकी लाप्लास की वैल्यू है वो लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपका डायरेक्ट ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, इस फंक्शन में आप इसका इन्वर्स करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम उसका वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, इसकी जगह पे ये जो वैल्यू है इसकी जगह पे क्या दिया हुआ है, इसकी जो भी फंक्शन है ये एफ टी हमें नहीं पता है। ठीक है, तो ये एल एफ टी की वैल्यू क्या दिया हुआ है, एस एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर दिया हुआ है, एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, और ऐसा फंक्शन होता है जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर इस टाइप में अगर होता है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, ये वैल्यू आ जाती है। ठीक है, अगर इस टाइप में अगर फंक्शन मेरा होता है तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट ये आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, इसका अगर मुझे इन्वर्स निकालना था तो ई रेस्ट टू पावर माइनस टू एस एस अपन एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर है। ठीक है, ये है वैल्यू, तो आपको ये पता हुआ कि ये किसका वैल्यू है। ठीक है, तो इससे फंक्शन आपको पता चलेगा, ठीक है, कि एफ टी क्या होगी। ठीक है, तो इसके वैल्यू पे हम क्या लिखते थे, ये अगर इस टाइप का है तो हम इसकी जगह पे क्या लिखते थे, एफ टी माइनस ए, और ये किसको इंडिकेट करता है ये भी ध्यान रखने का। ठीक है, कि ये किसको इंडिकेट करता है, तो यहाँ पे देखिए कि माइनस टू एस है। ठीक है, तो इसका जो ए की वैल्यू हो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और इसका ये इंडिकेट करेगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यू टी माइनस टू टी हो गया, या माइनस टी था तो माइनस टी यूज करते थे, ए एस था ना, देखो ए था यहाँ पे तो ए एस आता था। ठीक है, यहाँ के लिए ए एस
माइनस ये है तो माइनस ये ऐसा जा रहा था, ठीक है। अगर प्लस होता तो यहाँ पे प्लस है, अगर यहाँ पे मान लो कि प्लस होता तो यहाँ पे प्लस आ जाता, तो यहाँ पे तो हमारा भी माइनस टू ही है, तो हमने यू टी माइनस टू कर दिया, ठीक है। उसके बाद से इसका लाप्लास हमने इन्वर्स निकाल लिया, ठीक है। इसकी जगह पर तो हमने वैल्यू लिख दिया, इसका लाप्लास इन्वर्स निकाल लिए, तो इसका लाप्लास इन्वर्स क्या होगा, एस एस स्क्वायर प्लस पाई है, तो एस जब आता है तो कॉस लिखते हैं, और प्लस रहता तो ए टी के फॉर्म में आता है, तो एक जगह पे क्या है पाई है, तो कॉस पाई टी हो गया और ये वैल्यू हो गई। इस तरीके से अगर हम सॉल्व करेंगे तो इजीली हमें सॉल्व हो जाएगा। आप सभी ने क्या करना है कि यूनिट जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आप 2-4 साल यूनिवर्सिटी के पेपर उठाइए, 3-4 साल का पेपर उठाइए, और ऐसे रिलेटेड अगर क्वेश्चन मिलते हैं तो इस तरीके के जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको सोल्यूशन करिए, ताकि आपके लिए ये इजिली हो जाए, ये इसका सोल्यूशन आ जाता है, ठीक है। इसको सेकेंड शिफ्टिंग थियरम भी बोला जाता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट इसी में हम आगे भी बताने वाला हूँ कि इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे जो थियरम्स हैं, जैसे अभी आगे मैं बताने वाला हूँ कन्वोल्यूशन थियरम, ठीक है। तो कन्वोल्यूशन थियरम में क्या करना होता है वो भी बहुत ईजी है, आपको इजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। आज हम इस आगे टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं, कन्वोल्यूशन थियरम, ठीक है। तो कन्वोल्यूशन थ्योरम में क्या होता है कि जैसे मान लो ये कोई अगर इस तरीके के मल्टीप्लिकेशन के टर्म में अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है, तो उसके जो लैपलास इनवर्स फाइंड आउट करने हैं, जैसे इस टर्म में दिया हुआ इस टर्म में, तो उसको कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए उसके कैसे फाइंड आउट करने के लिए अगर इस फॉर्म में दिया हो तो सिंपल से क्या करना होता है कि 0 to t ले लेने का लिमिट, और यहाँ पे जो फंक्शन टी था वहां पे फंक्शन यू ले लीजिए, और दूसरे वाले फंक्शन में जी माइनस टी यू, जी टी यू माइनस टी के जगह पर टी माइनस यू कर लेना और डी यू कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले वाले फंक्शन में टी के जगह पर यू पुट करिए, दूसरे वाले के लिए इंटू में जी टी के जगह पर टी माइनस यू कर लीजिए, और डी यू के डी यू लिमिट डी यू के बेस पे उसको इंटीग्रेट कर दीजिए, आपका वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। वो कन्वर्ट करने के लिए इससे इसको कन्वर्ट करना है, ऐसे कन्वर्ट कर देंगे तो उसका लाप्लास इनवर्स फाइंड आउट करना इजी हो जाता है, इसी को बोले जाता है कन्वोल्यूशन थ्योरम। इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे, जब कन्वर्ट कर दोगे तो इनका इनवर्स फाइंड आउट करना क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, अभी ऐसे कैसे क्वेश्चन होंगे जिनमें हम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऑब्टेन वैल्यू ऑफ एल इनवर्स, तो एल इनवर्स में अगर देखोगे तो इसको हम 1/s इंटू 1/s² प्लस 4 कर सकते हैं, तो मल्टीप्लीकेशन के टर्म में है, दोनों किसमें है मल्टीप्लीकेशन के टर्म में, तो मल्टीप्लीकेशन टर्म को हम उसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए एल इनवर्स 1/s है, यहाँ पे एल इनवर्स 1/s² प्लस 4 है, ये मल्टीप्लीकेशन के टर्म में है। अगर मल्टीप्लीकेशन के टर्म में है तो उसको कैसे करते हैं वो यहाँ पे देख लेंगे। जैसे देख लीजिए मैंने एफ टी की जगह पे पहला वाला एफ टी, यहाँ पे ध्यान दो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एफ टी की जगह पर 1 रखेंगे तभी तो 1/s आएगा लाप्लास उसका, ठीक है। तो एफ टी की जगह 1 तो एफ यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 आ रहा है, ठीक है। टी है नहीं तो टी की वैल्यू अगर पुट करते तो पता चलता, यहाँ टी रहता तो यू पुट किए तो यू आता, ठीक है। अब देखिए जी टी, जी टी अगर देखा जाए तो कितना आ रहा है, जी टी की वैल्यू, ये किसका लैपलास, ये लैपलास इनवर्स है तो ये किसके वैल्यू है, लैपलास की कौन सी वैल्यू के ये वैल्यू आता है, तो ये देखो एस स्क्वायर प्लस 2² आ जाएगा, 1/s² प्लस ए स्क्वायर होता है तो क्या होता है साइन 80/a आता है, इसका इनवर्स देखा जाए तो इसका इनवर्स क्या होता है 1/2 sin 2t आ रहा है, इसका लैपलास इनवर्स कितना आ रहा है, लाप्लास इनवर्स की वैल्यू ये दोनों लिख रहे हैं, ये इसका वैल्यू आ गया, ये इसका वैल्यू आ गया, तो 1/2 sin 2t, और जहां पे t है उसको t माइनस यू इसके जगह पे यूज करते हैं, तो ये कितने वैल्यू आ जा रही है, ये वैल्यू कितने 1/2 sin 2t की जगह पे t माइनस यू कर लिया, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू इसमें जो ये फॉर्मूला बताया इसमें पुट कर देंगे तो इसका लाप्लास की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है, इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। देखो मल्टीप्लीकेशन में तो ऐसा नहीं है कि इसका 1/s का t आ जाता है, t लिख लिए 1 आता है तो 1 लिख लिए, इसका साइन 2t/2 इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो आ जाएगा, ऐसा नहीं, प्लस में रहता तो लिनियरिटी के हिसाब से कर लेते, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में अगर होता है तो उसको सॉल्व करने के लिए कन्वोल्यूशन थियरम यूज किया जाता है। कौन सा थियरम यूज किया जाता है, कन्वोल्यूशन थियरम। और इनकी जो वैल्यू आती है वो जो भी वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखना है एफ यू लिखना है, यहाँ पे जी टी यू, और ये एफ यू क्या है, एफ यू क्या है इसका, ये जो भी इसका लाप्लास, इसका लाप्लास ये है, इसका लाप्लास ये है, ठीक है, इसका लाप्लास ये जो भी फॉर्म होगा इसका लाप्लास इनवर्स ये है,
ध्यान देना कि ये जो एफ टी आ रहा है यहाँ पे, जो भी फंक्शन होगा ये इसका इसका इनवर्स ये वैल्यू है, ठीक है। इसका इनवर्स टी के फॉर्म में, एस के फॉर्म में आएगा, जो भी फॉर्म में आता है वहां की जगह पे हमने क्या कर लेने का है, ये वैल्यू रख देने का, इसकी जगह पे ये रखना है, इसके लाप्लास इनवर्स की वैल्यू रखना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इनका इनवर्स करने के बाद ये सब रखा हुआ है, ये हमेशा ध्यान में रखना। देखिए इसका मैंने अगर मान लीजिए लाप्लास इनवर्स करे तो 1 आता है, तो एफ टी इक्वल टू 1 हो गया। ये पूरा इनवर्स की वैल्यू है, यहाँ पे ध्यान देना, ये पूरी इनवर्स की वैल्यू यहाँ पर रखा हुआ है, इसकी पूरी इनवर्स की वैल्यू यहाँ पर रखा हुआ है, और यही जो वैल्यू इनके फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं एफ यू और जी टी यू माइनस जी टी यू टी माइनस यू करके फॉर्म में कर लेते हैं, तो ये जो वैल्यू आती है यहाँ पे पुट कर दोगे, ये सारा जब कैलकुलेशन कर लोगे तो आपका लाप्लास इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है, समझ में आ रहा। तो देखिए ये इसके वैल्यू 1 पुट कर दिए, एफ यू जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया एफ यू इंटू जी टी यू माइनस यू, तो ये हमने निकाल ही दिया था, और पुट कर देना डी यू के फॉर्म में, तो यहाँ पे देखिए 1/2, इसको बाहर मैंने ले लिया, यहाँ पे क्या बचा साइन 2t माइनस 2u du। अब साइन का जब निकालते हैं, जब भी हम उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है, पहले साइन का अगर मान लो du के फॉर्म में, तो उसका अगर साइन का निकालते हैं तो क्या होता है, माइनस दिस थीटा अपॉन जो भी टी यू के फॉर्म में कर रहे हैं, तो यू का अगर करा जाएगा तो जो बचता वैल्यू डिफ्रेंशिएशन में, जो जो भी वैल्यू होती है, माइनस टू आ रहा है यू के साथ, तो ये u माइनस टू इधर आ जाता है, ठीक है। ध्यान रखना कि इसके इंटीग्रेशन वाले पार्ट को आप पढ़िए इंटीग्रेशन में, ठीक है, तो आपको इजीली आपको मिल जाएगा। तो ये साइन का माइनस कॉस होता है, और थीटा यही है तो वही लिखा है मैंने। फिर डी यू इसके सापेक्ष करेंगे, पहले इसके करते हैं फिर इसमें जो वैल्यू है इसका करते हैं, इसको चैन रूल भी बोलते हैं, ठीक है, और भी इसके कई नाम है, इसको चैन रूल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू आई, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और 0 to t तक हमारा लिमिट है, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है। तो पहले अपर लिमिट की वैल्यू अगर पुट किया जाए, तो यहाँ पे t पुट करोगे तो 2t माइनस 2t 0 हो जाएगा, cos 0 हो जा रहा है यहाँ पे 2t माइनस, और यहाँ पे ये u की वैल्यू यहाँ पे 0 रखोगे तो cos 2t अपन 2 हो गया, ये वैल्यू तो 0 हो जा रही है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 0 रख दिया यहाँ पे cos 2t अपन 2, और cos 0 की वैल्यू 1 तो 1/2 हो गया। cos 0 की वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे, देखो 2t माइनस 2 है, ठीक है, 2t माइनस अगर 2 मैं पुट कर रहा हूँ तो यहाँ पे cos 0 आ जा रहा है, 2t माइनस 2t 0, cos 0 यहाँ पे cos 2t वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे cos 0 की वैल्यू 1/2 माइनस cos 2t अपन 2, तो ये 1/2 कॉमन करेंगे तो 1/4 हुआ, 1 माइनस यहाँ पे क्या बचा cos 2t। तो ये इस तरीके से हम सॉल्व कर देंगे तो इसका लैपलास इनवर्स फाइंड आउट हो गया। और ये किसका लैपलास इनवर्स निकला, ये आपका निकला 1/s s² + 4 का लाप्लास इनवर्स का ये वैल्यू है, ठीक है। ये ध्यान रखने का, जब मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होते हैं इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो आपने इस तरीके से ये आज का लाप्लास वाला चैप्टर हम कंप्लीट करते हैं, और इससे रिलेटेड जितने भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको आपने प्रैक्टिस करना है, ताकि आपके लिए ये जो सब्जेक्ट है, ये जो सब्जेक्ट का जो चैप्टर लाप्लास का है, और आप यूनिवर्सिटी के एग्जाम में देखेंगे जूटी यूनिवर्सिटी जो गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है, उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जैसे जैसे मैंने जो भी थ्योरम बताया, चाहे पॉज सिस्टम थ्योरम है, चाहे इनवर्स फाइंड आउट करने का मेथड है, चाहे IVP वाला है, ठीक है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, तो उसको भी अगर करते हैं तो आपको इजिली सब कुछ समझ में आते जाएगा। और इजिली देखिए लैपलास में हमने 10 एक्चुअली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड देखा जाए तो 8 लेक्चर में कम्प्लीटेड हुए, लेकिन हमने 10 लेक्चर में बनाया है। आपने ट्राई करते रहना है, और जितने भी प्रॉब्लम आ रहे हैं उसको सॉल्व करिए, क्योंकि अगर सॉल्व करेंगे तभी आपका वो प्रैक्टिस बनेगा, और आपको ये सारे जितने भी इसके फॉर्मूले हैं वो याद रहने वाले हैं। तो उन फॉर्मूलों का यूज करके और आपने ये फाइंड आउट करना है ना। अभी नेक्स्ट वीडियो जो आपका थर्ड चैप्टर है, जो सबसे ज़्यादा मार्क का है, ODE ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वो हम करेंगे, फिर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम करेंगे। तो आपने कंटिन्यू वीडियो को देखते रहना है, और अपने फ्रेंड को भी शेयर करना है, क्योंकि आप अगर अपने फ्रेंड को शेयर करते हैं तो उनको भी ये बेनिफिट मिलेगा। एंड अगर ये जितने भी क्वेश्चन है वो अगर आपको समझ में आ रहे हैं, अच्छी बात है, ठीक है, समझ में आने भी चाहिए,
और भी जो इससे रिलेटेड जो पॉइंट है वो आप सॉल्व करते रहना है ताकि आपके लिए इजी हो जाए। मैथ्स जिसमें बहुत सारे लोगों का बैकलॉग आता है, बहुत सारी ऐसी पॉइंट आते हैं, बहुत सारे ऐसे सुनने को मिलते हैं कि M3 M3 M3, M1 M2 M3 M4, तो ये सभी अगर आपको समझने हैं, अच्छी तरह से जानना है, ये वीडियो को कंटिन्यू देखते जाइए और बेल आइकन पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि जितने भी इसके अपडेटेड वीडियो आ रहे हैं वो आप तक पहुँचें, ताकि वो आप देख सकें। अगर बेल आइकन पर क्लिक नहीं किए रहेंगे तो वीडियो आते नहीं हैं आपके। जैसे नेट ऑन करते हो तो आपको वहाँ पर जैसे बेल जैसे आपने ऑन करते हैं तो जितने भी नोटिफिकेशन होते हैं सब आ जाते हैं। तो इसके भी नोटिफिकेशन कब आएंगे? जब सब्सक्राइब करके बेल आइकन आएगा उस पर क्लिक करेंगे तब आपको इससे रिलेटेड जितने पॉइंट है वो आपके पास आएंगे और तभी आप समझ सकते हैं। तो आप सभी ने ट्राई करते रहना है, और कोई अगर इंटरेस्टेड है बंदा कि क्लास ज्वाइन करना चाहता है, ठीक है, तो वो डायरेक्टली क्लास भी ज्वाइन कर सकता है, जिसका हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7359924377। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हमारा जो क्लास है वो वापी में चलता है, गुजरात वापी में, तो वहाँ पर ये कॉन्टैक्ट करके और ये क्लास ज्वाइन कर सकता है और क्लास अटेंड कर सकता है, ठीक है। तो वीडियो को देखते रहिए, और भी अपने जो फ्रेंड है या किसी 12th का फ्रेंड होगा जो अभी मतलब बैचलर बी कर रहा होगा तो वहाँ पे भी आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड के, अगर लिंक में तो वहाँ शेयर करिए ताकि उस बंदे को भी यह बेनिफिट मिल सके। तो वीडियो को देखते रहिए, एंड अगर पसंद आता है तो उसको लाइक करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।